यार वो विलेश भाई को तो बता के वो लॉग तो आउट हो गए। वो जो है ना, इसलिए कभी कभार समय डिसकनेक्ट होता है तो वो जो है ना पता लग नहीं पता कि यार ये मामला खराब हुआ है। सही। तो अच्छा सर, ये ठीक है, क्या नाम है जो है ना, ठीक है बेटा, खैर टोपोलॉजी है, किसमें क्या होता है, हम जो है ना जो स्विचेस डायरेक्टली एज डिवाइस लगते हैं ना बेटा, ये एज डिवाइसेस हैं, इनको हम बोलते हैं एक्सेस स्विच है, ठीक है ना, एक्सेस स्विच कहलाते हैं। अच्छा, जो के पॉइंट टू पॉइंट पे होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्विच बोलते हैं, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन और एक्सेस स्विच होते हैं। इसके अलावा एक और स्विच है, वैसे तो लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको रूट, वो आपके कहलाते हैं बेटा क्या, कोर स्विच कहलाते हैं वो। अगर यहाँ बना दूँ मैं कोर स्विच भी, अगर यहाँ पर मैं ओके ठीक है, यहाँ के ना बेटा एक स्विच और भी होता है, ठीक है ठीक है, जो भी है सर, यहाँ पर बेटा अगर लेट सपोज यहाँ पर होता है, तो बेटा नॉर्मली हम चाहते हैं कि वो स्विच लेयर थ्री का हो, ठीक है, तो लेयर थ्री स्विच की हम बात करेंगे, ठीक है, क्या होता है आगे हम क्या नाम बात करते हैं, अभी ये सब लेयर टू के, ठीक है, लेयर वन का, ठीक है बेटा। यहाँ पे जो होता है ना लेयर थ्री स्विच, हम चाहते हैं कि कोशिश होती है लेयर थ्री हो, क्योंकि हमें बेटा इंटरविलन, ठीक है, कम्युनिकेशन भी करनी होती है, अगर लेट सपोज यहाँ विलन बने ना बेटा, तो हमें उनके दरमियान कम्युनिकेशन करनी, तो हम दिस स्विच चाहते हैं लेयर थ्री के, ठीक है बेटा। तो हम ये चाहते हैं कि हमेशा कोर पर क्या हो, अगर इतने पैसा आपके पास हैंगे बेटा तो कोर पर क्या हो, हमेशा लेयर थ्री हो बेटा, बाकी ये सब लेयर टू हो। अच्छा, अब सबसे बेस्ट चॉइस क्या होती है कि इन सब में से रूट स्विच किसे बनाए हम लोग। देखो बेटा, हम ना एसटीपी के ऊपर नहीं छोड़ते कि आप जो है ना, जैसी बात है हमारे पास क्या नाम है, मैक एड्रेस सबके अलग अलग के, अलग अलग वेंडर हो सकते हैं, ठीक है, अलग अलग हो सकते हैं। अच्छा, हम जो प्रायोरिटी चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम बेटा चाहते हैं कि हम जो है ना खुद बनाए रूट स्विच क्या होता है। अगर कोर स्विच नहीं है तो बेटा, अगर कोर नहीं है तो बेटा, हम चाहते हैं कि इसमें से कोई स्विच बने, डिस्ट्रीब्यूशन में से बन जाए, रूट बन जाए, या तो ये बन जाए, ये बन जाए, अगर कोर स्विच नहीं है तो, ठीक है ना बेटा। तो सबसे बेस्ट बेटा प्रायोरिटी किसी होती है कि इनमें से कोई स्विच रूट बन जाए, या तो ये बन जाए बेटा, या तो ये बन जाए, अगर कोर नहीं है तो, ठीक है ना। अच्छा, अगर कोर बेटा मौजूद है तो जाहिर सी बात है सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसी होती है कि हम इसको इसको हम रूट रूट स्विच बनाए, ठीक है ना बेटा। अगर हमारे पास कोर है, अगर क्या पता कोर या तो सिर्फ ये क्या नाम है हायरार्की में दो स्विच हैं, क्या पता यहाँ पे तीन स्विच भी हो, चार भी, पांच भी, जितने भी बेटा कोर है उनमें से किसी एक स्विच को हम रूट बनाते हैं, ठीक है ना। अगर डिस्ट्रीब्यूशन तो यहाँ से बन जाएगा बेटा कोई भी रूट, हमेशा हम इन स्विच को एक्सेस स्विच नहीं बनाते, क्यों नहीं बनाते बेटा, जाहिर सी बात है क्या नाम है कि इन स्विच के अंदर एक बेटा पोर्ट जो होती है, क्या नाम, पोर्ट फास्ट भी होती है, बीपीटी कार्ड, ठीक है, लगा होता है, लेकिन हमारी बेटा इसकी प्रायोरिटी नहीं होती, क्या पता, हाँ अगर इलेक्शन हो रहे हो क्या पता ये बन जाए, अगर हम ऑटोमेटिक इलेक्शन पे, ठीक है बेटा, डिपेंड करेंगे, क्या पता उसको बना दे, ठीक है ना वो। लेकिन बेटा हम क्या करते हैं, हम जो है क्या नाम है अपने हम खुद ही बेटा मैनुअली क्या करते हैं, इनमें से या तो कोर से देखते हैं बेटा, या तो हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन से कोई भी स्विच जो है हम रूट बना रहे हो, ठीक है जी, ये बात क्लियर है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैं एक टेबल बेटा आपसे शेयर कर रहा हूँ, जरा उसको दिखा दूँ, फिर बात भी कर दूँ, क्या चीज़ है। अच्छा, को अच्छा सर, ये टेबल, ठीक है बेटा देखो, ठीक है ना। अच्छा, ये बेटा सही क्या टेबल, ठीक है, ये बेसिकली ये जो है ना, ये आपके पास एसटीपी के स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन, ठीक, ऑप्शन क्या होते हैं। देखो होता क्या है, सबसे पहले बेटा क्या नाम है जो है ना, देखो एसटीपी जो थी ना, इसके अंदर काफी जो एसटीपी थी, क्या नाम है, IEEE ने जो बनाई थी एसटीपी, ठीक है ना, अगर मैं इसकी डिटेल में नहीं गया क्योंकि बड़ी बुकिश हुई थी। देखो एसटीपी जो, ठीक है बेटा, IEEE के थी के थ्रू बनी थी ना, क्या नाम है, तो एक वो एसटीपी थी और आरएसटीपी थी, ठीक है ना, मतलब ये एसटीपी और ये आरएसटीपी ना बेटा, ये बेसिकली क्या है, क्या नाम है, ये IEEE टी के बेस्ट प्रोटोकॉल है, एसटीपी और आरएसटीपी, ठीक है ना। सिस्को ने बेटा इनको खुद मॉडिफाई किया, कस्टमाइज किया है, ठीक है, उसके अंदर बेटा PVST प्लस और, ठीक है, रैपिड रैपिड PVST प्लस और MSTP, ठीक है, ये जो है तीन प्रोटोकॉल है जो कि सिस्को ने, ठीक है, मॉडिफाई किए हैं, जिसके क्या नाम है बेटा, हम लोग क्या नाम है, इसका नाम होता है PVST प्लस, ठीक है, एक है रैपिड PVST प्लस, ठीक है, और एक है MSTP, ठीक है ना, ये तीन प्रोटोकॉल हैं जो कि सिस्को ने, ठीक है, सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है जो सिस्को ने मॉडिफाई किए हैं, लेकिन बेटा बेस एसटीपी आरएसटीपी भी करती हैं। मैं जरा इसको यहाँ पर दिखा दूँ आपको कुछ बना के, देखो बेटा सबसे पहले हम, ठीक, अभी तक हमने एसटीपी देखी, ठीक है, हमने एसटीपी प्रोटोकॉल देख ली, हमने आरएसटीपी देखी, ठीक है बेटा।
अच्छा RSTP और STP बेटा दोनों जो है ना ये IEEE के बेस प्रोटोकॉल थी, ठीक है, जो कि यूज सिस्को के स्विचेस में आप कर सकते हो, लेकिन ठीक है हम नहीं करते, ठीक है ना, उससे काफी लिमिटेशन है। उसकी लिमिटेशन बेटा यहाँ पर क्या, ये लिखी हुई भी है, ये है CST, ठीक है ना। इसका मतलब बेटा क्या है कि ये जो है ना बेसिकली इसका मतलब होता है कॉमन, ठीक है, VLAN, ठीक है ना। क्या करती है बेटा बेसिकली ये होती है कि इसको VLAN का नहीं पता, मतलब इन मतलब STP और RSTP को बेटा VLAN की इसको नॉलेज नहीं होती, ठीक है, मतलब ये एक ही प्रोटोकॉल काम करती है सब VLAN के ऊपर, मतलब यहाँ पे VLAN, ठीक है, मतलब मैनेजमेंट, ठीक है, नहीं करती है। उसके अंदर एक आगे कॉन्सेप्ट आएगा, क्या नाम है, लोड बैलेंसिंग का मसला आया था, ठीक है, तो लोड बैलेंसिंग हम आगे, अभी टाइम तो भी नहीं बच पाएगा, आगे पढ़ लेंगे, ठीक है बेटा। बस ये रखिएगा, ये तो बेटा ये तो IEEE ने, ठीक है, डिफाइन की थी प्रोटोकॉल, और ये भी IEEE ने डिफाइन की थी प्रोटोकॉल, ठीक है बेटा। और इसके अंदर काफी लिमिटेशन थी, ना सिर्फ लिमिटेशन, एक तो इसके अंदर लिमिटेशन है कि इसकी कन्वर्जन बड़ी, बेटा मसला था वो था कि इसको VLAN का नहीं, मतलब ये है ना CST का मतलब क्या है, इनको VLAN का नहीं पता, ये VLAN पे डिपेंड ही नहीं करती, सही है ना, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो सिस्को के अंदर ये लिखा हुआ है, इसके कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर नहीं है एनए, इसका मतलब क्या, इसको कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता सिस्को के, ये लिखा है ना कॉन्फ़िग पैरामीटर, मतलब जिससे आप इसे कॉन्फ़िगर करोगे, सिस्को के अंदर STP और RSTP को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते आप, एनए के लिखा हुआ है बेटा। ये चीज बड़ी अहम चीज है, सिस्को के अंदर राउटर्स के अंदर बेटा, ये स्विचेस के अंदर आप STP और RSTP को, ठीक है, कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते। अभी तक जो हम करते आ रहे ना वो ना RSTP थी ना STP थी, वो क्या थी, वो PVST थी। मैंने असल में ये नाम शुरू में इसलिए नहीं लिया आपको, ठीक है, वही मसला होता है कन्फ्यूजन, क्या नाम है सर ये क्या चीज़ है, ठीक है ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ। सिस्को के अंदर क्या नाम है, अभी तक जो हम बेटा पढ़ के आ चुके हैं ना, हमने अभी तक जो पढ़ा है ना, क्या नाम है, STP पढ़ा है, ठीक है, ये सब थ्योरेटिकल चीज़ें थी, लेकिन असल में जो हम काम किस पे कर रहे हैं, हम PVST पे कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन हाँ एक कॉलम और भी है, ये किस पे बेस करती हैं, मतलब ये जो प्रोटोकॉल इस लेफ्ट साइड के ऊपर, ये बेस किस पे कर रही है, इस पे STP बेस STP करती है, ठीक है, अच्छी बात है। PVST बेस किस पे करती है बेटा, STP करती है, ठीक है ना, मतलब इस पे बेस हम अभी तक, बेटा बाय डिफॉल्ट है हमारे पास ये प्रोटोकॉल लगी होती है, ठीक है ना, ये किसे बेस कर रही है, STP कर रही है। और बेटा इसको VLAN का पता है इसके, ये आप हर VLAN के ऊपर अलग अलग STP, ठीक है, ये PVST, ठीक है, इनेबल कर सकते हैं। अब आज के बाद बेटा हम STP की बजाय बेटा हम क्या बोलेंगे, PVST बोलेंगे, सिस्को STP को PVST बोलती है, PVST प्लस होता है। अब प्लस का नाम, ठीक है बेटा, बार बार कौन लेगा, आप डायरेक्ट बस ये बोलो कि सिस्को के अंदर STP के बेटा हम क्या बोलते हैं, PVST बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये, ठीक है, इसके बेटा डॉक्यूमेंट है, ये तो छोड़ दो IEEE के, इसको तो आप देख लें बस अपनी नॉलेज के लिए। हमारे कंसर्न बेटा बस क्या है कि STP के अंदर बेटा एक लिमिटेशन थी कि STP को वेलेंस का नहीं पता था, आप हर VLAN के अंदर अलग अलग STP कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते थे उस टाइम, ठीक है, VLAN का मामला था ही नहीं, ठीक है। या इसको ले लो STP बहुत कदीम प्रोटोकॉल है, VLAN बाद में आए, STP से पहले आए, जब भी बेटा STP के अंदर VLAN को, ठीक है, उसको मैनेज किया नहीं गया था, ठीक है ना, ना ही STP के अंदर किया गया था, ना ही RSTP के अंदर किया गया था। ये IEEE बेटा प्रोटोकॉल है। अब ये कोई भी सिस्को का राउटर, कोई भी STP कह लो ना, STP क्या नाम है डिफॉल्ट, कि RSTP डिफॉल्ट को इस्तेमाल नहीं करता, वो डिफॉल्ट के अंदर अपनी प्रोटोकॉल, ये जो है ना PVST, ये सिस्को की है बेटा, सिस्को की है, ये सिस्को की दोनों, ठीक है। सिस्को बेटा सिर्फ इन दो तीन को सपोर्ट करता है, ये ओरिजिनल STP RSTP सपोर्ट नहीं करता, यहाँ लिखा भी है। अच्छा इनके नाम बेटा क्या है, क्या नाम, इसको हम बोलते हैं PVST बोलते हैं, इसका नाम होता है रैपिड PVST है, और एक है MSTP, ठीक है बेटा। तो हम जरा इसको देख भी लेते हैं कि इनके मोड, बेसिकली मोड है इसके लर्निंग के, ये समझ रहे हो बेटा बाद में क्या क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को, कि ये PVST, ठीक है, कराती है RST, हम ठीक है, जो सिस्को की प्रोटोकॉल जो है प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है बेटा, दे आर कॉल्ड, अगर चेक करनी बेटा आपने, चेक कैसे करते हैं यहाँ पर दिखा दूँ आपको किस तरीके से हम चेक करते हैं इसको, कि ये हम मोड पे काम करते हैं, ठीक है बेटा। अगर लेट्स सपोज मैं आके जो है ना, बस ये लास्ट, ठीक है, चीज करते हैं फिर इसको क्लास को, अभी काफी चीजें इसमें एथएचएनएल रह गया हमारा, तो वो यार अभी टाइम बचेगा, असल में यार ये इसलिए STP को अक्सर लोग जो है ना, क्या नाम है, मैंने देखा है क्या नाम, अक्सर CCA ने जो करा था STP को उतना ना ज़रा फोकस करते नहीं है, मतलब वो शायद हसीब भाई भी बताएंगे, जब मैंने ठीक है पढ़ा था उस टाइम STP को ना बस ऐसी बात, हाँ STP होती है बस, ठीक है, लेकिन यार लिटरली इतनी अहम प्रोटोकॉल खत्म कर दिया, लिटरली लिटरली, ठीक है, STP को मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अगर आपने सही मारूम बैठ कैंपस प्लान बनाना है बेटा आप लोगों ने, देखो होता बेटा क्या, अभी लास्ट बेटा आपको दिखाई थी ना मैंने, क्या नाम है, ये जो दिखाई थी, असल में लोग क्या करते हैं, लोग जो है ना लूप वाला मामला करते ही नहीं, वो एक स्विच पे एक बस लैब चला रहे हैं, वो कांग डायग्राम मेरी। अच्छा देखो बेटा होता है क्या, हम जो है ना, अगर आपने, आपको मैं बकायदा पूरा डिजाइन ये पढ़ाऊंगा, ये हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन एक वर्कशॉप लूंगा मैं कि किस तरीके से डिजाइन चीजें करते हैं, मतलब बेटा ये भी पूरी एक समझ लो कि स्विचेस कितने लगाने हैं और कोर कितने लगाने हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कितने, ये भी बकायदा पूरी थिंकिंग होती है, एक डिजाइन थिंकिंग होती है,
इसको जो है ना हम लोग पूरा बकायदा मैनेज करते हैं कि अगर इतनी लैब्स हैं, इतने पीसी सिर्फ, कितने कोर आएंगे, कितने एक्सेस आएंगे, सब चीज देखते हैं इसकी बकायदा इसकी हायरार्की की टाइप अलग अलग होती है। बेटा इंशाल्लाह आपको मैं एक वर्कशॉप करा के ना अलग से पढ़ाऊंगा कि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है लेकिन देख के इसको देख रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको डिजाइन करते हैं। तो बेटा जो लोग ये चीज इनेबल करते हैं ना उनको एसटीपी का फायदा नजर आता है, एसटीपी के नुकसान फायदे क्या है। अब लोग करते क्या है, एक स्विच और एक बस सारे पीसी, वहाँ एसटीपी का मामला होता ही नहीं है। अगर आप बेटा हायरार्की बना रहे हैं तो यहाँ एसटीपी आएगी, इसलिए लोग एसटीपी पढ़ाते ही नहीं है ना, एसटीपी को फोकस करते हैं। नहीं ऐसी बात ही नहीं यार, यार देखो भाई अगर आप पढ़ा रहे हो तो बच्चों को भी दिल से पढ़ाओ ना, जो चीज आपको आती है। मैं तो मेरा ये है कि जितना मुझे पता भाई मैं लिटरली बता रहा हूँ कि स्पेनिंग ट्री में मैक्सिमम अगर कोई क्लास होती है ना तो वो एक क्लास वो भी दो घंटे की उसमें खत्म हो जाता है इसकी भी अमूमन। तो मेरे ख्याल से तीसरा वो है सैटरडे है शायद, तो काफी चीजें हैं जो अभी भी इसमें एक क्लास और बाकी एक इसमें एक क्लास और बाकी एक क्लास और बाकी संदर्भ जी जी ये तो चैनल की और एक लोड बैलेंसिंग वाली क्लास करवानी मुझे और वो लाजमी कराऊंगा मैं। हां असल में यार देखो मसला है कि हम चाहे तो संडे को यार हम जल्दी से आपका खींच कर अच्छे आराम से संडे को आराम करें यार, यकीन आदि नहीं। हां जो चीज बोली गई थी ना मैं कह रहा हूं कि अगर वो उसको फॉलो करते ना हालांकि थ्योरी पे तो बोलना है ना दो दो घंटे बोलने बैठ के, ठीक है, लेकिन मैं थ्योरी वो रेलेवेंट टेबल निकालता हूँ, काम के लिए बिल्कुल रेलेवेंट चीज होती है वो थ्योरेटिकल वर्ड्स पे नहीं आता, ठीक है ना, क्योंकि मैं एज्यूम करता हूं डेफिनेशन वगैरह बेटा आपको आती होंगी, नेट से देख लेंगे आप लोग, ठीक है ना, और वो आप लोग ठीक है पढ़ चुके। अच्छा ठीक है हम बेटा वाइंड अप करेंगे, ठीक है, देखिए जरा क्या यार ये मोड होते क्या है, ठीक है ना। हम यहाँ आते हैं सबसे पहले चेक करते हैं कि अभी तक ये बात हमने क्लियर कर दी बेटा, मैंने अभी तक इस आपको आरएसटीपी नहीं बताया था, ठीक है, क्योंकि बेटा सॉरी पीवीएसटी का नहीं बताया था क्योंकि बेटा हमने बात की एसटीपी, क्योंकि एसटीपी अभी इसके अंदर ना एसटीपी है ना आरएसटीपी है, क्योंकि एसटीपी भी बेटा किसकी आईट्रिपल की है, आरएसटीपी आईट्रिपल की है। हमारे पास मोड बेटा काम करता है वो कौन सा मोड काम कर रहा था बाय डिफॉल्ट, चेक करते हैं इस स्विच में कौन सा मोड काम कर रहा है बाय डिफॉल्ट। हम यहाँ आते हैं, हम चेक करते हैं यहाँ पर शो स्पेनिंग ट्री समरी, ठीक है बेटा, चेक करना यहाँ के जो है ना यहाँ पे दिखा रहा होगा मोड कौन सा है। देखो बेटा यहाँ दिखा हुआ है कि स्विच इज इन पीवीएसटी मोड, यहाँ पे ना एसटीपी लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है बेटा ये चीज दिख रही है, सॉरी कहाँ चला गया यार, कहाँ चला गया, देखो बेटा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है स्विच इज इन पीवीएसटी मोड, ठीक है ना। पीवीएसटी मोड का बेटा मतलब क्या है कि ना ही ये लिखा हुआ एसटीपी भी नहीं लिखा हुआ, ना ही ये आरएसटीपी लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ पीवीएसटी मोड। अच्छा पीवीएसटी बेटा बेटा मोड है क्या चीज, जरा यहाँ आ दोबारा, पीवीएसटी बेटा क्या चीज है, ये बेसिकली है एसटीपी लेकिन ये सिस्को की बनाई हुई एसटीपी है, ठीक है बेटा, और यहाँ पर ये हर विलेन पर अलग एसटीपी काम करती है। मैं भी विलेन वाली भी आपको लैब करवाऊंगा बाद में कि किस तरह हम डिफरेंट विलेन पे टिके कॉन्फ्यूजन करते हैं और फिर लोड बैलेंसिंग का मामला आता है, अभी वो चीज भी कराऊंगा, ताकि आपको एसटीपी का चैप्टर पूरा हम इंशाल्लाह क्लोज कर देंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है, एक क्लास हम और करेंगे। तो ठीक है बेटा अभी हमारा मोड कौन सा है, हमारा पीएससी का मोड है और ये दिखा भी रहा है यहाँ पर। अच्छा उसके अलावा ठीक है, अब कितने मोड ठीक है बेटा इसमें एनेबल हम कर सकते हैं जरा वो भी देख लेते हैं, ठीक है बेटा यहाँ आना, ठीक है हम ये बात क्लियर है कि बाय डिफॉल्ट हमारे पास बेटा जो सिस्को है पीवीएसटी मोड पे चल रहा होता है, ठीक है ये बात क्लियर हो गई है। अब जरा यहाँ आ जाओ, अब जरा यहाँ आ, ठीक है बेटा यहाँ हम चेक करते हैं कि हमारे पास कितने मोड ठीक है अवेलेबल होते हैं। आप सिंपल बेटा कॉन्फिग टर्मिनल में जाना, ठीक है, और यहाँ हम चेक करते हैं स्पेनिंग ट्री, ठीक है मोड, ठीक है, और ये बता रहा भाई कि यहाँ पर जो है ना इसके बाद हमारे पास इस स्विच के अंदर दो मोड ठीक है। अच्छा यहाँ पे MST लिखा हुआ नहीं आ रहा, मैं ख्याल में सकता है कि सिमुलेटर पे अलाउ, हाँ ठीक है इस स्विच पे, हाँ ये दो, हाँ दो वजह, हाँ सही है, ये अच्छी बात की है कि दो वजह, क्या पता इस मॉडल पे ठीक है बेटा, हाँ सकता है इस मॉडल के अंदर जो है ना ये ठीक है हमारे पास ये ठीक है MST का ठीक है ना हो, ठीक है बेटा यहाँ पे पीवीएसटी रैपिड ट्री पीवीएसटी आ रहे हैं, ठीक है ना, ये दो मॉडल अलाउ कर रहे हैं। अब चेक करते हैं काम, क्या पता इस स्विच पे ना हो अगले स्विच पे, अगर मैं आपसे कोई और स्विच लेते हैं चेक करते हैं उसमें है नहीं है, हमने कौन सा स्विच लिया है, अगर हम कोई नया स्विच लें, ठीक है भाई हम यहाँ आते हैं इनेबल किया हमने इसको, हमने आके कॉन्फिग टर्मिनल किया, ठीक है स्पेनिंग ट्री
मोड वो यहाँ भी नहीं है। मैं ख्याल हो सकता है हसीब के आना में जो है ना ये इसमें टिक हो सकता है सिमुलेशन के अंदर ये ना ही दिखा रहा हूँ ठीक है बेटा यहाँ पे, लेकिन एक एम एस टी का टिक है मोड टिक क्लास में आ रहा होता है ठीक है ना। तीन मोड आ रहे हैं एम एस टी पी वी एस टी और आर पी वी एस टी ठीक है ना। तो बेटा यहाँ देख लीजिएगा यहाँ पे तीन मोड हमने देखे थे पी वी एस टी प्लस ठीक है रैपिड पी वी एस टी और ये एम एस टी भी ठीक है ना। तो अब ये सब होते क्या है ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में ठीक है हम इनको या अभी अगर है हिम्मत तो मैं आपको एक और चीज रह गई है अभी हमने वो नहीं देखा क्या ना वसीब कि किस तरीके से वो हमारी जो है ना प्रायोरिटी बनती है वो चीज भी रह गई है तो इसको भी कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में देखें बच्चे क्या बोलते हैं। वो कर ले बच्चे वो कर ले तो बच्चा बाकी वोटिंग हो रही है क्लास कंटिन्यू रखें अभी यार क्लास कंटिन्यू करें या आप लोग की हिम्मत हार चुके हैं हम लोग। हां कंटिन्यू एक वोट 11 बच्चे हैं जमहूरियत भाई है जमहूरियत पे जाएंगे भी नहीं। हाँ, करना तो हमने वही है हमने करना है बस वोटिंग कर लेते सीएसटी में एक बार रिपीट कर सीएसटी बार बार कर दे सीएसटी क्या सीएसटी वो आपने बताया ना कॉमन स्पेनिंग ट्री का वो बताया था अच्छा 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 सही सही इसमें सेम विलेन विलेन्स का कांसेप्ट नहीं होती से एक ही विलेन कंसीडर कर रहा था चलो ठीक है नेक्स्ट क्लास में ठीक है यार ये असल में बेटा वो सी एस टी को मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया देखो होता है ना कि मुझे पता है कि अभी यहाँ फोकस करने का फायदा है कि मैं इसी पर निकल जाऊंगा। सी एस टी को हम जब डिफाइन अभी करेंगे ना मल्टीपल वेरिएंस की लोड बैलेंसिंग आएगी ना तो वहाँ डिफाइन करूंगा बेटा किस तरह हम एस पी टी अभी हमने एस टी पी जो है ना हम सिर्फ अभी तक एक ही इस पर देखिए कि एक ही वेरिएंट 1 पे काम किया है हम वेरिएंट 2-3 पे नहीं आए ठीक है ना। अभी काम करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है ना हम लोड बैलेंसिंग ठीक है वो टेक्निक्स क्या होती हैं ठीक है और ये सी एस टी क्या होता है और ये किस तरीके से जो है ना उसकी प्रायोरिटी बनती है मतलब उसकी ब्रिज आई डी किस तरह बनती है बस ठीक है वो देख लेंगे। अभी बस आपने बेटा ठीक है ये देखना है अभी आज की क्लास के अंदर ये हमने फाइनल कर दिया कि ये बाय डिफॉल्ट बेटा ये जो है हमारे पास है ना ये एस टी पी वो एस टी पी तो होती है लेकिन वो बेसिकली सिस्को वाली होती है उसको हम बोलते हैं पी वी एस टी। तो बेटा ये सब बेटा बाय डिफॉल्ट किस तरह पी वी एस टी में होते हैं ठीक है ना। तो अब उसी को लेकर ठीक है हम आगे चले अब हम आगे ना ही हम बोलेंगे एस टी पी हम बोलेंगे पी वी एस टी बोलेंगे पहली बात अंडरस्टूड है बेटा पी वी एस टी का मतलब क्या है कि वो आर एस टी वो एस टी पी ही होती है ठीक है। और तो क्विज का बेटा ये यार ये मुझे जरा पूछना है मैनेजमेंट से क्विज किस तरह लेना आप लोग का ऑनलाइन क्विज जाहिर सी बात है वो आप अपने शायद पी आई सी की तरह ही लेना होगा या अभी जो है ना क्विज का मुझे असल में लेने को तो मसला था ही नहीं हमारा एक सर्वर बना हुआ है हमारा क्वेश्चन दिए थे मसला है लॉकडाउन को गया ना वो किस तरह हम ऑनलाइन क्विज कंडक्ट करें तो वो एक मसला है तो अब वो पूछता हूँ जरा मैं मैनेजमेंट की इसमें क्या बोलती है क्या नहीं करती ठीक है बेटा। तो चलो नेक्स्ट क्लास के अंदर बेटा जो है ना हमको जरा एस टी पी को ही रखेंगे और क्योंकि एस टी पी को पूरा करने के बाद इंशाल्लाह फिर अकाउंटिंग पाएंगे तो बाकी देखते हैं ठीक है चलो ठीक है सिर्फ ओके हमें मीटिंग करनी है हम लोगों ने या जाना है बल्कि आप रुको इधर दो मिनट रुको आप लोग जरा आप लोग रुको दो मिनट आप लोग कर लो ठीक है बेटा आप लोग जरा रिमूव हो जाए।